आजकल मेजोरिटी लड़कियों का डैमेज हेयर का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल हम सब गर्ल्स एक्सेसिव हेयर स्टाइलिंग करती हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग। उसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, जैसे कि हेयर कलर, रिबॉन्डिंग, केराटिन वगैरह, जिस वजह से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी और रफ़ हो जाते हैं, और इस वजह से बाल सिल्की बिल्कुल भी नहीं रहते, फूले फूले से लगते हैं, मैनेजेबल नहीं होते। और इस वजह से बालों को अर्जेंट बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अब जो गर्ल्स अफोर्ड कर सकती हैं वो तो बड़े बड़े सैलून्स में जाके प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा लेती हैं, लेकिन जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, या उनका बजट कम होता है, या फिर उनके पास डेली रूटीन में इतना टाइम नहीं होता कि वो ट्रीटमेंट करवा सकें, तो आज की वीडियो उन गर्ल्स के लिए ही है। क्योंकि आज हम एक ऐसे हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो आप घर में आसानी से कर सकती हैं। अगर आप सैलून जाकर 5,000 या 10,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, तो ये घर का ट्रीटमेंट आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। ये हेयर ट्रीटमेंट ना सिर्फ डैमेज रिपेयर करेगा, बल्कि आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी भी बनाएगा। तो लाजमी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और बाद में ये ना कहें कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इसे यूज़ करने से। अक्सर हम समझते हैं कि बालों की रफनेस को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि कंडीशनर का यूज़ कर लें। हम कंडीशनर लगाना शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि इससे हमारे बाल सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन असल में हमारे बालों को कंडीशनर से ज़्यादा एक अच्छे हेयर मास्क की ज़रूरत होती है। कंडीशनर का असर सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों ही रहता है, और थोड़ी देर के बाद ही बालों का जो टेक्सचर है वो वापस रफ़ और लाइफलेस लगने लगता है। अब मैं आपको ये ट्रीटमेंट 3 स्टेप्स में बताऊँगी, तो कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा। पहला प्रोडक्ट और जो स्टेप है वो है हेयर मास्क। मेरे पास यहाँ 2 मास्क हैं, एक है क्यूने का और एक है हर्बल एसेंसिस का। क्यूने का जो हेयर मास्क है वो एक्सपेंसिव है, तो जो लड़कियां ये मास्क अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वो ये हर्बल एसेंसिस का हेयर मास्क जो है ये परचेस कर लें। ये आपको 1100 का कहीं से भी किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। और ये जो मास्क है ये क्लेम करते हैं कि 94% इसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट हैं और केमिकल जो है वो बहुत कम यूज़ किया गया है। ये मास्क मैंने परचेज़ भी इसीलिए किया था कि इसे ट्राई करूं और देखूं कि इसके रिज़ल्ट किस तरह के हैं। तो अगर एक अफोर्डेबल मास्क से भी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो फिर महंगे वाला मास्क हम क्यों परचेज़ करें। इस हेयर मास्क के टेक्सचर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हेयर मास्क होते हैं उनका टेक्स्चर बिल्कुल पेट्रोलियम जली की तरह होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है। बालों में अप्लाई करें और वॉश करें तो वो बालों में से निकलता ही नहीं है, तो ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। इस मास्क की कंसिस्टेंसी ना ही थिक है और ना ही बहुत रनी है, बहुत मॉडरेट सी है। यानी अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो इजीली अप्लाई हो जाएगा बालों में और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट और सेकंड स्टेप की। अब जो हीरो प्रोडक्ट आपने इस मास्क में ऐड करना है वो है ये क्यूने के सीरम कैप्सूल। ये कैप्सूल डैमेज सप्लीटेंट हेयर के लिए समझें कि मैजिक है। आपने एक बॉल लेना है और उसमें ये मास्क जो है वो अपने बालों के हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर लेना है कि यानी अगर आपके ज़्यादा थिक हेयर्स हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर लें, या फिर अगर आपके बाल जो हैं वो लाइट हैं तो थोड़ा कम मास्क ले लें। और इस मास्क में आपने 2 इस सीरम के जो कैप्सूल हैं ये ऐड करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा थिक बाल हैं तो फिर आप 3 से 4 कैप्सूल भी इस मास्क में ऐड कर सकती हैं। छोटे से साइज़ के ये क्यूने के हेयर ब्यूटी कैप्सूल हैं, और इसको आपने ऊपर से कट करना है और हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसमें से सीरम निकल आएगा और आपने मास्क में ऐड कर देना है। क्यूने का जो ये ब्यूटी सीरम है, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि ये ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर आप विटामिन ई के जो कैप्सूल मिलते हैं उसमें से आप सीरम निकाल के जो अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है, कि उसको अप्लाई करने के कुछ टाइम के बाद आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली लुक देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सीरम बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेके इसको चेक करेंगे तो ये वेलवेटी सा टच देता है, ग्रीसी बिल्कुल फील नहीं होता। इसलिए जब आप बालों पर भी इसे अप्लाई करेंगे तो बालों पर भी ये बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी लुक नहीं देगा। हाथ लगाने पर आपके बाल स्मूथ और सिल्की फील होंगे। अब बात करते हैं थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की, कि इसको अप्लाई किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपने अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। हेयर वॉश शैम्पू से करने के बाद आपने टॉवल से अपने बालों को ड्राई करना है। जो टॉवल ड्राई हेयर्स होते हैं जिसमें से पानी टपक नहीं रहा होता लेकिन बाल आपके गीले होते हैं। हेयर मास्क और सीरम को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको अपने बालों में रूट से टिप तक इवनली अप्लाई करना है, ठीक है। बालों के स्कैल्प पे भी आपने अच्छी तरह लगाना है और नीचे वाले अपने बालों पे भी अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। और एक शॉवर कैप या प्लास्टिक का कोई भी लिफाफा जो है वो आपने
सर को जो है उसे कवर कर लेना है। शॉवर कैप अगर आपके पास है तो वो लगा लें, लेकिन अगर वो नहीं है तो घर में प्लास्टिक के जो हैं वो शॉपिंग बैग्स, लिफाफे वगैरह पड़े होते हैं, उससे आप अपने बालों को कवर कर लें ताकि मास्क लगाने के बाद जो है वो हम बालों को हीट दे सकें। आपने सलोन्स में भी देखा होगा कि जब वो बालों पे कोई ट्रीटमेंट करते हैं जैसे कि प्रोटीन ट्रीटमेंट वगैरह, तो अपनी प्रोडक्ट बालों पर अप्लाई करने के बाद वो बालों को जो है वो स्टीमर के थ्रू हीट देते हैं ताकि जितनी भी प्रोडक्ट, कोई मास्क या कुछ भी उन्होंने सर पे लगाया है, वो अच्छे से बालों में जज़ब हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। अब घर में तो हमारे पास स्टीमर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए आपने या तो शावर कैप यूज़ करनी है या फिर लिफाफा जो है उससे अपने सर को कवर कर लेना है ये मास्क लगाने के बाद। ये मास्क और सीरम वाला जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, ये मिक्स करके जब आप अपने बालों पर अप्लाई कर लेंगे और सारे बालों को ऊपर करके एक जूड़ा सा बनाएं, और उसके ऊपर जो है वो आपने लिफाफा या फिर शावर कैप पहन लेनी है ताकि आपके बालों को जो है वो हीट मिले, और हीट मिलने की वजह से ये मास्क अच्छी तरह से आपके बालों में जज़ब हो जाएगा। इस मास्क को कम से कम 45 मिनट्स तक लगाए रखना है। मैं तो ये मास्क लगा के कोई काम वगैरह करना शुरू कर देती हूँ और 45 मिनट से भी ज़्यादा जो है, कभी कभी घंटा भी ये मास्क जो है वो लगा रहता है बालों पे। 45 मिनट्स के बाद आपने सादा पानी जो है, सादा टैप वाटर जो है उससे आपने बाल अच्छे से वॉश कर लेने हैं, लेकिन कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना। सिंपल टैप वाटर से आपने अपने जो बाल हैं वो वॉश करने हैं बगैर किसी शैम्पू के। उसके बाद आपने टॉवल ड्राई करने हैं अपने बाल, या फिर ड्रायर से जो है वो हेयर ड्राई कर लेने हैं। आप देखेंगी कि आपके बाल कितने सिल्की, सॉफ्ट और मैनेजेबल हो गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैलून से कोई महंगा ट्रीटमेंट लेने के बाद सिल्की स्मूथ हेयर हो जाते हैं। तो लाजमी ये हेयर ट्रीटमेंट ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।